माता तू देणी होई जई भगवती तू ने। तो सबसे पहले हम लोग माँ की स्तुति करेंगे, सारे लोग ये मंत्र बोलेंगे। या देवी, या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शक्तिरूपेण संस्थिता संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से अपने गांव सिलंगा की ओर से सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं माँ भगवती से कि समस्त गांव वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ भगवती की कृपा एवं आप सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से हमारे मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में आज हमारे माननीय अध्यक्ष मंगल सिंह बिस्त साहब जी की अध्यक्षता में आज की मीटिंग रखी गई है। तो आज के मीटिंग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे अध्यक्ष कैप्टन श्री मंगल सिंह बिस्त जी होंगे। सबसे पहले समस्त गांव वासियों की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह साहब, उपाध्यक्ष श्री आनंद सिंह साहब एवं कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा पंचायत करता है, आप सभी पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन एवं निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को निभाया एवं समय समय पर अपने अनुभवों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। और हम आशा करते हैं कि आपका प्यार एवं आशीर्वाद समस्त गांव को आगे भी मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पदाधिकारियों को। क्योंकि लंबे समयावधि से मंदिर में पूजा अनुष्ठान न होने से सभी गांव वासियों की दिली इच्छा है कि हम अपनी रक्षक देवी माँ भगवती की पूजा अनुष्ठान करें, ताकि समस्त गांव वासियों पर माँ की कृपा बनी रहे। माँ भगवती समस्त गांव वासियों की रक्षक देवी बनकर हमेशा खड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल में इतना बड़ा पूरे देश पे इतनी बड़ी संकट आई, लेकिन उसी माँ भगवती की कृपा है, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी घोषित किया गया उन लोगों को एक छींक तक नहीं आई। तो ये केवल और केवल माँ का, जो हमारी माँ है उन्होंने, और बाहर भी इतने सारे केसेस आए लेकिन कोई भी अप्रिय घटना हमारे गांव में नहीं हुई। तो ये सभी माँ की कृपा है और उनकी कृपा दृष्टि है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस माँ ने हमारे दुख में हम लोगों का साथ दिया है, हर पल हमारा साथ दिया है, तो हम क्यों ना उस देवी को अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और गांव में एक सद्भावना का माहौल पैदा करें। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से प्रेरित होकर अब हमारी युवा पीढ़ी आपके मार्गदर्शन में इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है और आपके पद चिन्हों पर चलकर एक नई मंदिर समिति का गठन करना चाहती है। आप लोगों की सेवा हमारी नई समिति के सलाहकार के रूप में, जो आपका इतना लंबा अनुभव है, आप लोगों का अनुभव के लिए हम लोग सभी अपेक्षित हैं। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह साहब को आज की मीटिंग के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए।
माननीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह साहब, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मंदिर प्रांगण में हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, पुरुष, बुजुर्ग और नन्हे बच्चे, मैं सभी को इस माँ भगवती की कृपा से और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि कि जो आपने नई कार्यकारिणी गठन करने के बारे में जो बात रखी है, इसका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि अभी हीर सिंह ने बताया, और आज से जो पुरानी मंदिर समिति है उसको बर्खास्त करके नए समिति का गठन किया जाए, और इसमें जो है नए समिति में अब आप लोग महिलाओं से पूछा जाएगा कि अध्यक्ष पद के लिए किसको आप चुनना चाहते हैं। महिलाएं बोलो, दो मिनट उनको सोचने का टाइम दो, चाहे वो यहाँ पर है या नहीं है, आचरण बता दीजिए सबको है, बस और पूरा अधिकार है, तो जब बोल दियो हम पूरा अधिकार नहीं है, मतलब किसी चीज बात क्या, कोई उम्मीदवार हो चाहते चुनाव, कोई उम्मीदवार हो, जब महिला ही में उम्मीदवार है तो चाहते हैं तो उसमें भी चलेगा। और मैं थोड़ा सा अभी चाचा ने बताया तो अध्यक्ष जो पद बनेगा उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका मैं बताऊंगा। युवा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सबके साथ मिलनसार होना चाहिए, अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, और उसको निर्णय लेने की क्षमता होनी, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास गए बोलना ये तो म्यूनी बोला और तो इसे अध्यक्ष का काम है, वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, और टीम को एक टीम के साथ कैसे काम, वो लीडर का काम करेगा, तो ऐसा व्यक्तित्व हमको चुनना है कि जो जिसमें ये सारे कुछ गुण हों, और वो भी ये स्वयं सेवक होगा। तो आप सोच सकते हैं, हमारे युवा सोच सकते हैं, हमारे बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग सोचो, महिला वर्ग से सोचो ना, आप लोग बताइए उम्मीदवार है तो कोई उम्मीदवार है बोलो बीच में से, एक कोई भी और तुम्हें सीनियर जो भी कोई हां, अगर कोई समझता है कि मैं ऐसा काम कर सकूं तो आप लोग भी स्वागत है। महिलाएं आप लोग आज अच्छे पुरुष वर्ग से, हमारे युवा साथियों से हम सब पूछना चाहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों से, तो किसको हम अध्यक्ष पद के लिए चयनित करें, हमारे चाचा बताएंगे। मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र सिंह नेगी को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करता हूँ। वेरी गुड। समर्थन करो ना, सबकी ताली बजे, सब समर्थन है, ध्वनि मत के साथ। अच्छा, किसी को कोई ऑप्शन तो नहीं है, अगर कोई ऑप्शन है तो आप अभी एक मिनट फ्री, हां ये कोई बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर कहने कोई वो अगर कोई और उम्मीदवार है तो वो लोग भी आ सकते हैं, फिर हम लोग हमको हमको चुनाव करना पड़ेगा, अगर आपको सब सभी लोग सहमत हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, और भी पद है हमारे पास, दो मिनट देखो इधर, कोई हाथ खड़ा और कोई, सारे लोग सहमत हैं, सब सहमत, तो चलिए, तो ये माने सर्वसम्मति से। अच्छा सुन लिया मैं, तो सर्वसम्मति से आप लोगों ने भी माना है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि ना उन्होंने तो अपने मने दी बने जी वो काम करें, तो ऐसा जिसको अगर बोलना है तो यहाँ पे बोलना है, माँ के प्रांगण में बोलना है, यथवा छुके लगे जेल बोलना, तो ये खुला चमला है, सब तुम स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, बाद में बोल के भाई ना रहूं, वो चून उन लगना वो कड़े इसलिए लगना चाहे उन्हें पसंद इंटरेस्ट नहीं हूँ मैं, है ना, ऐसा भी है, तो जिसको बोल रहे हैं तो अभी साफ साफ बोलना है बिल्कुल, तो उस जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया उनमें आप सभी लोगों ने चुना कि हमारे चाचा नरेंद्र सिंह नेगी जी उसके लिए उपयुक्त पाए गए, तो जोर द्वार उनको ये तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए हमको चुनना है, उपाध्यक्ष हमको ऐसा चाहिए कि जो तो उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यभार उनका संभाले, जो भी उनका कार्य है उनको उपाध्यक्ष संभालेंगे।
तो इस चीज के लिए आप सोचिए, दूसरा पद उपाध्यक्ष के लिए आप लोग चयन कीजिएगा, और ये ओपन है, आप लोगों ने डिसाइड करना है सबने, ऐसा नहीं कोई एक आदमी का नहीं है, सारे गांव लोग वाले और माँ के प्रांगण में बैठे हुए हैं। आप पढ़ लेने उसको भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जो है उपाध्यक्ष के लिए मैं तो लगता है विजय सिंह ठीक रही है, अगर आप लोग उपाध्यक्ष पद के लिए अभी डिसाइड किया, हमारे अध्यक्ष साहब ने रिकमेंड किया और आप सभी लोगों ने माना, कोई ऐसा है कि जो मतलब जो उनको चुना हुआ, कितने लोग सहमत हैं अपने हाथ से? चले तो कोषाध्यक्ष का भी हमारा यहाँ पे चुनाव हो गया है और सारे लोग सहमत हैं। अब चौथा जो सबसे मेन जो वो है, वो है सचिव का, सचिव को सारे हमारे जो कार्य हैं, इसमें कोई लेडी हो सकती है, कोई महिला अगर एक्टिव है तो महिला, सचिव का काम सबसे महत्वपूर्ण है, उनको प्रत्येक कार्य को जमीनी स्तर पे उतारने का काम सचिव का होगा, ठीक है, और सचिव को ऐसा आदमी को बनाने जो काम करवाना जानता हो, है ना, और नहीं अब उसमें एक प्रॉब्लम है, जो पहले से जिनके पास पद है या वो है, उन लोगों को हम नहीं इसमें वो कर रहे हैं, है ना, नहीं ना उनका ना, हम हमें जिनके पास ऑलरेडी पहले से हुआ है उनको हम इसमें सम्मिलित नहीं, हाँ तो उन, है ना, तो अगर महिलाओं में से बताइए आप लोग किसको आप चाहते हैं कि सचिव बनाया जाए, नहीं उनका जो पदाधिकारी जो जन ऑलरेडी जो अब जो संदप वो महिला मंडल के अध्यक्ष हैं या वो आंगनबाड़ी में, तो उन लोगों को जैसे हमारे सरपंच साहब हैं या हमारे प्रधान, उन लोगों को भी तो उनके पास ऑलरेडी पद है, तो हम चाहते हैं कि नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, तो हाँ अगर महिलाओं की भागीदारी भी तो अच्छा है ना, अगर वो लेकिन काम करना पड़ेगा, काम हाँ लेकिन हाँ ना पर काम हमें एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, काम करने वाला कल को ये मत बोलना, मैं तो ये बता मैं सोच रहा हूँ कि मैं पीछे से वो जो अकाउंट है ना, अकाउंट में प्रॉब्लम प्रॉब्लम ठीक है, हीरा सिंह ठीक है, चलो ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ओवरऑल जो फंड है वहाँ पे ऑडिटर चाहिए, तो हम चाहते हैं कि सबसे झगड़ा का उन माँ बाप में झगड़ा, भाई बंधु में झगड़ा, सब उन पैसों पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये काम कोषाध्यक्ष करें और मैं एक एक काम को चेक करूँगा, ये मैं अपने तरफ सेवा दूंगा साल के अंत में, और पूरा कि कौन सा पैसा कहाँ लगा सबको पता होना चाहिए, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो ये ऑडिटिंग का काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा पुरुष में से बताइए, पुरुष में से किसको आप बनाना चाहेंगे? अभी सदस्य तो पूरे हैं, जैसे मैं महिला अभी तो फोर कमेटी है, अभी चार कर उसके बाद पूरी टीम है पूरी, तो उनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, तो आपको क्या लगता पुरुष को बनाया सचिव? चलिए ठीक है, तो ठीक है हम ये शादी में चाहेंगे जो टाइम भी निकाल पाओ ना, सूर्य तेरे पास टाइम होगा? हाँ, ठीक है, टाइम कम है, ताली ताली बजाओ, रुको अभी, हैं उसको पहले निर्देशित अध्यक्ष साहब करेंगे,
हमें कुछ भी काम करना होगा वो बोलेंगे कि ये काम करना है, बोलेंगे हम एक्टिव, हम तैयार है, कोई ऐसे नहीं, लेकिन उनकी निगरानी से जो काम करना है अध्यक्ष बोलेगा, जो भी बोलना है वो जो है उसके नीचे जो हर्ता करता है वो काम करेंगे उस हिसाब से, ऐसे भी नहीं कि नहीं बोला जाएगा ना, लेकिन अगर आप मंजूर हैं कि मैं अच्छा एक बार जोरदार तालियां हमारे चारों उनके लिए, ये जो कमेटी के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर। अब जो है अब हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य और सदस्य हमारा हमको बैलेंस करके चलना है, हम पूरे गांव को लेके चल रहे हैं, तो हमने ये कोशिश, थोड़ा होमवर्क हमने भी किया है, बाकी क्लियर कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोग नाम बताएंगे तो हम, बाकी नाम हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नहीं किसी के ऊपर कोई वो नहीं आएगा, मतलब पी सकते हैं दारू, लेकिन उस टाइम पे मंदिर के अंदर प्रवेश मत करना, क्योंकि जो है ठीक नहीं है, हमारी कुलदेवी है, हमारी जो है कुलदेवी को जो है हमारा फर्ज बनता है, कैसे प्रकार से हमने जो है उनका जो है कैसे सम्मान करना है, या किसी अपने पड़ोसी अपने छोटे, कितने आदमी आएंगे यहाँ पे, बाहर के लोग भी आएंगे, अंदर के लोग भी आएंगे, अगर हम दारू पी के यहाँ पे नाटक करेंगे तो अच्छा नहीं है, है ना, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी से हाथ जोड़ के दिन दुगनी रात चौगनी हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और ठीक आज 5 साल के बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इसका कारण कि भाई मुख्य कारण तो हीरा सिंह ने आपके सामने बता दिया है कि हम लोग जिस माँ के छत्र छाया में है इस गांव के अंदर, और उसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सब एकजुट होना होगा, और जिस प्रकार पिछले सालों में गांव में जो भी कार्य होता रहा है और वो भी होता ही रहेगा, माँ के पूजा प्रतिष्ठा या और भी गांव का कोई मुख्य कार्य, और ये सब आप लोगों पर ही निर्भर करता है, अब हम यहाँ पर इससे आगे की कार्रवाई करते, पिछला इससे पीछे क्या किया हमारे बुजुर्गों ने, क्या किया, क्या हमारे लिए रख गए, क्या नहीं रख गए, वो सब देख रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर से एक नए समिति का गठन और नया काम शुरू करना चाहते हैं, इसमें हमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, और बगैर सहयोग का ये काम नहीं हो सकता है, ये हमारा सबका मंदिर है, और जब भी मंदिर का सवाल उठा, जब हमने कहीं मतलब हम कखी उद्योण पूजा द्योण या कहीं ये अभी जो आ रहा है महीना, हमने उसमें उस डाल से पूजो, तो ये सिर्फ एक आदमी का नहीं है, हम चुल्ली चुल्ली से पहले पूर्वज से आया है, हर चुल्ली से पैसा लेते हैं, अब पैसा लेने या न लेने वाली बात हो तो बाद में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, उसी को लगाया जाए या लिया जाए, हमारी धंधा जो हमारे पास है वो उसको बचाना है या उसमें से खर्चा करना है, ये सब आप लोगों की सहमति से होगा, और सबका मंदिर है यहाँ पर, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, सबके लिए भगवान एक ही है, वो सबको एक नज़र से देख रहा है, अब हम यहाँ पर से शुरू करेंगे आगे की कार्रवाई, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसको आप छोड़ दीजिए, आगे हमने किस प्रकार से माँ की भक्ति करनी है, ताकि उसी प्रकार से हमारे ऊपर छत्र छाया उनका बना रहे, तो मैं इतनी सी बात में आपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर आपके सामने हीरा सिंह जी फिर कुछ बात रखेंगे, धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी से, श्री आनंद सिंह साहब जी से, वो भी आके अपने जो उनका अनुभव है उसको थोड़ा साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। भैया मैं माँ भगवती के प्रांगण में आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपने अपना अमूल्य टाइम जिस माँ भगवती के लिए दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ, और हमेशा जब भी कोई होता तो हर एक लोग यहाँ पर, न कि वर्किंग जन समझे कि मेरे अजान हुए,
जब माँ भगवती के यहाँ पर होता तो सबका आने का हक है वहाँ पर, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सबको हाजिर होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। एक ही आदमी का तो है कि नरेंद्र सिंह वहाँ पर लगा हुआ है, चल यारो नरेंद्र सिंह का ये हो गया फलाने का, नहीं सबकी। उसने बता दिया हीरा सिंह ने, इतनी बड़ी महामारी हुई है देश में, इस माँ भगवती की कृपा से हमारा देश प्रदेश में कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसी माँ भगवती की कृपा है। और जो इस माँ भगवती को नहीं मानता वो अलग चीज़ है, पर हम तो इसको हमेशा मानते आए हैं और मानते रहेंगे। जब तक इस शरीर में खून रहेगा तब तक इस माँ को मानते रहेंगे। इस माँ की कृपा से हमारा गांव आज खुशहाल है, खुशहाली से चल रहा है। इसलिए कार्य करेगा, कार्य के अंदर हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी गलती मत करना। अगर गलती कर दिया फिर मेरे को मत बोलना। आप लोगों ने चुना है भाई, मैं पहले बता देता हूँ, आप लोगों ने, आपने उससे नहीं हुआ, आप लोगों ने चुना है मेरे को, तो मैं सख्ती के साथ कार्रवाई करूंगा, ऐसे नहीं कि चुप नहीं बैठूंगा। होना भी चाहिए, ये मत सोचना कि जो है चुप बैठ जाएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा फिर। तो अब जो है एक एक और बात, एक एक और बात, जो है कोई दारू पी के आ जाता है या कुछ है, खैर तुम्हारे दारू पिया, अपने घर में रहो, अपने खाओ पियो, ऐस करो, सबके लिए वो है, सब निफिक्र है, लेकिन किसी को गाली गलौज मत करना। प्लस रास्ते में कोई भी अबू उद्योग में निकाओ, सबसे पहले लेडीज को वो झड़ झुड़ बाढ़ में निफरे दिया। हम लोग आज सबक लर्न कर रहे हैं और सबसे पहले आप लोग बोलेंगे मैं अपना नाम बोलिए, नरेंद्र सिंह अध्यक्ष, अपना पद सदस्य, माँ भगवती को साक्षी मानते हुए, माँ भगवती को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद की गरिमा रखते हुए, अपने पद की गरिमा रखते हुए मंदिर समिति सिलंगा, मंदिर समिति सिलंगा द्वारा जो भी सेवा का कार्य, द्वारा जो भी सेवा का कार्य मुझे समय समय पर सौंपा जाएगा, उसका मैं ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूँगा। मैं अपने गांव के चौमुखी विकास एवं प्रतिष्ठा के लिए सत्य एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। से सेवा करूंगा। जय माँ भगवती, जय माँ।